Welcome to class 8. Today we will study a new chapter, chapter 11, Proverbs and Phrases. तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें प्रोवर्ब क्या होता है. प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट सेइंग दैट इज वाइडली यूज टू एक्सप्रेस एन ऑब्वियस ट्रूथ. इसमें बेसिकली सच्चाई बताई जाती है. और प्रोवर्ब्स को हम हिंदी में कहावतें कहते हैं. एग्जाम्पल है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कुछ यहाँ पे प्रोवर्ब्स हम पढ़ेंगे उनकी मीनिंग के साथ. बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. इसकी मीनिंग है पीपल विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज एंड अप टुगेदर. दूसरा एग्जाम्पल है इसका आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर. मीनिंग है एंटरिंग वन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम अनदर. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रेज. तो फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ड. अ फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस. फ्रेज एक सेंटेंस नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट आइडिया विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन द पार्क फाइन बीचेस. नाउ वी विल स्टडी अवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 12 पिक द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें हम कुछ फिलअप्स पढ़ेंगे और आपको उसके ऑप्शंस बताने हैं. ठीक है. सो पहला है डिड यू रिमेंबर डैश द पार्सल. अब इसमें हमने तीन ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. टू पोस्ट, पोस्ट और पोस्टिंग. सो द करेक्ट आंसर इज टू पोस्ट. द फिश इज डैश डिलीशियस. रियली, वेरी या कम्प्लीटली. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा रियली. द फिश इज रियली डिलीशियस. थर्ड है आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एवरीवेयर एनीवेयर समवेयर. इसका करेक्ट आंसर होगा एनीवेयर. आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एनीवेयर. Can you tell me when dash leaving? Can you tell me the train is leaving? When the train is leaving? Fifth hai, he has been working there dash 10 years for already ya since. So he has been working there since 10 years. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा आज chapter 11 and 12 in GK class. Okay. Now we will study the next chapter in next class. That's all for today. Thank you.